आप सब वाकिफ़ है इस वाक्य से जो कल इंसिडेंट पेश आया। हमारी फाइनेंस एंड प्लानिंग की मीटिंग होने जा रही थी शहर श्रीनगर की, जो एक बहुत इफादियत रखती है तरक्की के लिहाज से, हर एक लिहाज से। बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, हमारी मीटिंग शेर कश्मीर पार्क में होने जा रही थी, तो ये कमेटी 9 मेंबरों की है, इलेक्टेड मेंबर जो काउंसलर्स है हमारे शहर श्रीनगर के, उसमें हमारे 70 काउंसलरों से 9 मेंबर आए जो इस कमेटी में है। तो व्हाट हैपेंड यस्टरडे, बेसिकली 4 मेंबरान आए थे, 5 लोगों ने बाइकआउट किया था, इट रीज़न आर बेटर नोन टू देम। तो कमिश्नर साहब वहाँ थे, वहाँ डिफरेंट चीज़ें उठी, मैंने भी अटेंड किया एज आई एम ए मेम्बर ऑफ द सेड कमेटी, मैंने भी अटेंड की, लेकिन इस गर्ज से अटेंड की कि शहर के लिए काम हो, तरक्की हो, हमारे लोग सफ़र ना करें। बट अनफॉर्चुनेटली जो वहाँ पे चीज़ें थी वो टोटली फज फंडिंग थी, टोटली इलीगलिटीज़ थी वहाँ पे, जिस चीज़ को हम सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मैं एक नौजवान हूँ, अपने कश्मीर के लिए उठा हूँ, हम अपने लोगों के पैसों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, वी कांट गैम्बल विद द मनी ऑफ आवर पीपल। मैं आप लोगों को कुछ आप लोगों के सामने, आप बखू वाकिफ़ है श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से, बड़े लोगों ने अपने घर बनाने के लिए कितनी लूट की, ये हमारे लोगों का खून है, सरमाया है, बट अनफॉर्चुनेटली ये सरमाया लूटता चला जा रहा है। मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स दूंगा जो आपको क्लू देंगे कि श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में चल क्या रहा और कल का इंसिडेंट हुआ क्या बेसिकली, लेकिन उनके लिए उनके नाम पे हम सौदाबाजी करने नहीं देंगे। मुहर्रम फंड का मतलब है जो मुहर्रम के रिलेटेड काम हो। भाई साहब मुहर्रम कब ख़त्म हो गया, मुहर्रम का महीना ख़त्म भी होने को है, काम अब स्टार्ट होने हैं। एंड मुहर्रम में जो काम होंगे वो इमामबाड़ू, जलसो जुलूस जहाँ से मजलिसें निकलेंगी, उनके रिलेटेड काम होगा, ना कि जनाजगाह रिपेयर होगा, ना कि कमिश्नर साहब के घर के सामने सड़कें और गली कोचे रिपेयर हो। मैंने उस बात पे उंगली उठाई। समर यूनिफॉर्म की बात करते हैं, पहले हमारा वो खाक रोब जो कोविड से लड़ रहा है उसके लिए मास्क नहीं है। विंटर इक्तदार पे है, समर यूनिफॉर्म की परचेज की बात हो रही थी, एंड वो समर यूनिफॉर्म जो हैंडलूम कॉरपोरेशन से खरीदने की बात हो रही थी, एंड जो हैंडलूम कॉरपोरेशन का अपना बोर्ड है, क्वालिटी चेक बोर्ड, उसने उस कॉन्ट्रैक्टर को ऑलरेडी बोला जो ये यूनिफॉर्म है ये सब स्टैंडर्डेड यूनिफॉर्म है, जो हैंडलूम कॉरपोरेशन है वो अपना यूनिफॉर्म जो है वो हैंडमेड बनाता है, बट अनफॉर्चुनेटली वो यूनिफॉर्म हाथ से नहीं मशीन से बनाई गई थी, और जो उसका कलर था, मुझे आप लोग भी बखूब वाकिफ होंगे कि आप लोगों में से कभी किसी ने देखी हमारा जो खाक रोब होता है, सैनिटेशन वर्कर होता है, उसको विद यूनिफॉर्म, आप लोगों ने भी नहीं देखी होगी, वो खाली बिल्स पास करने के लिए। मैंने क्वेश्चन उठाया, अगर आपको प्रॉब्लम है, अगर जे एंड के हैंडलूम बोर्ड ने बोला है कि ये सब स्टैंडर्डेड यूनिफॉर्म है, हम क्यों इसके लिए हाथ खड़ा करें? और जो मीटिंग थी एज पर एक्ट, देयर आर व्हेन वी हैव टू एग्री ऑन एनीथिंग वी हैव टू शो द हैंड्स, राइज द हैंड्स, वैसा कुछ नहीं हो रहा था वहाँ पे। देयर शुड बी प्रॉपर रिकॉर्डिंग, वीडियोग्राफी होनी चाहिए, हमारा SMC का प्रॉपर पब्लिक इन्फॉर्मेशन टीम है, पब्लिसिटी टीम है, कहाँ थे वो लोग? अगर वहाँ पे कुछ बंडलिंग नहीं होनी थी, कुछ फ्रॉड्स नहीं होनी थी, वीडियोग्राफी क्यों नहीं हुई? एंड एक ड्रेन है, मैं आपको नाम दूंगा उसका, मेन जो इंसिडेंट हुआ, कंस्ट्रक्शन ऑफ 30 mm डाई पाइप ड्रेन विद ओपन सीमेंट कंक्रीट ड्रेन मेन होल्स फ्रॉम CRPF कैंप अप टू ओवरफॉल नियर नीलम सिनेमा तो शहीदगंज। मैंने 4,12,000 की ड्रेन है। मैंने क्वेश्चन रेज किया, क्या भाई साहब इसका टेंडर हो चुका है? हमारे जो SC ड्रेनेज साहब है उनके मुंह से निकला, नहीं टेंडर नहीं हो चुका है। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने FA साहब का, हाल ही में ज्वाइन किया है, बट एक नौजवान है, नौजवान सोच सकते, करप्शन को सपोर्ट नहीं, लेकिन उनको भी वहाँ साबोटेज किया गया। कमिश्नर साहब बोल रहे थे नहीं आप क्यों नहीं इसको करना है, मैं इट्स माय आई वोंट सपोर्ट करप्शन, तो आई वॉक आउट फ्रॉम द हाउस। व्हेन आई वॉक आउट फ्रॉम द हाउस, कमिश्नर श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मिस्टर गजम्फर अली फॉलोड मी एंड सडनली स्लैप्ड मी। आई वॉज कन्फ्यूज लाइक हाउ ही स्लैप्ड मी, आई मीन पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। एंड ऑन दैट नोट मैंने उनसे क्वेश्चन किया हाउ यू स्लैप्ड मी, उसके एक PSO साहब है विद वेपन थे, ही ट्राइड टू स्नैच मी। ये थप्पड़ मेरे को नहीं था, ये पूरी हिंदुस्तान की जमहूरियत को थप्पड़ था, और ये थप्पड़ मैंने खाया है, बिल्कुल खाया है, लेकिन बदजुनी और करप्शन के खिलाफ खाया है। मैं तो अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ,
बिल्कुल 18 करोड़ रुपए की ड्रेन हमदानिया कॉलोनी को दी गई। मैंने क्वेश्चन रेज किया कि हम पार्ट वाइज कर सकते हैं, शहर में है हमारा, डाउनटाउन है, तरस रहे हैं वो लोग ड्रेन के लिए, उनके लिए भी तो ड्रेन दे दो, 18 करोड़ क्यों हम एक ही पार्ट में दे दें। अब देखिए मैं आपको ये लिस्ट दे दूंगा अभी, इसमें खुमानी चौक के कितने काम रखे हैं इन्होंने, एंड अगर मुहर्रम था, मुहर्रम का काम मुहर्रम के पहले या ड्यूरिंग मुहर्रम होना चाहिए था, 10 मुहर्रम से पहले। अब क्या मुहर्रम के नाम पर आप लूट खसूट कर रहे हो? देन आफ्टर आई मेट, आई एम हाईली थैंकफुल टू आवर चीफ सेक्रेटरी बी वी आर सुब्रमण्यम, आई मेट हिम एट अ सेक्रेटरेट, ही एश्योर्ड मी दैट देर विल बी ए प्रॉपर इंक्वायरी एंड अ स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट द पीपल हु आर इन्वॉल्व इन इट। एंड एक और बात मैं आपको बोलूँगा, हमारा मकाई पॉइंट का कार पार्किंग लॉट है, दैट हैज़ बीन एक्सपायर्ड ऑन 27th of July 2020, एंड कॉन्ट्रैक्ट में जो हाइस्ट पेड बिल्डर था उसको पहले लिखा गया था कि कोई आपको एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा टिल डेट, या कमिश्नर साहब से पूछिए कौन सी सौदाबाजी ने आपको मजबूर किया था आज तक उसको हैंड ओवर करने में, एंड किस साहब ने कितने खोकड़े पैसे पकड़े थे उसको एक्सटेंशन देने के लिए। भाई साहब हमारा नौजवान है, उसने सफ़र किया, जब पॉलिसी बनेगी वो सबके लिए बननी चाहिए, हमारे 16 पार्किंग लॉट है उनके लिए एक्सटेंशन बनाओ। एंड एक इंडिविजुअल म्युनिसिपल कमिश्नर कौन होता है हमारे स्टेट एक्सचेकर को लूट करने वाला? शहर में आप इलीगल बिल्डिंग्स देखो, हमारी फ्लड चैनल्स देखो, बेशक हम इलेक्शन लड़े, मैं नौजवान हूँ अपने लोगों के लिए इलेक्शन लड़ा, लेकिन लूट खसूट को हम सपोर्ट करने वाले नहीं है।